back of the towel, wrap it close, sit down. सबसे पहले तो राखी यहाँ पर है, कैसे मतलब आज मतलब बहुत ही हॉट योगा सेशन हुआ यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय किया आप लोगों ने? देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि हमें योगा रूम में ग्लैमर चाहिए, तो राखी इज अ ग्लैमर फॉर अस एंड व्हेनेवर ओके जब भी वो आते हैं योगा में तो ग्लैमर हो जाता है, मतलब शी मेक्स अस लाफ, उसकी हॉटनेस बढ़ जाती है, इनकी हॉटनेस बढ़ जाती है, इनके साथ साथ हमारी बढ़ जाती है. शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, इतना एनर्जी है इनके अंदर, इतना पॉजिटिविटी है कि जब भी ये योगा कमरे में आती हैं तो ये पूरा पॉजिटिविटी दूसरे लोगों में बिखेर देती हैं, तो इनके साथ साथ हम भी इंजॉय करते हैं, योगा करते हैं, तो अदरवाइज हमारे लिए तो बोलना, वो बोलते हैं कि योगा कमरे में हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन जब राखी आती है तो हमें बोलना पड़ता है. शी मेक्स अस लाफ. राखी, कहने के आपकी फिटनेस का राज सबको पता चलने वाला है इसके बाद. मेरी फिटनेस का राज और मेरे काम होने का राज और मेरे हॉट होने का राज पता चल गया है कि आई वॉज सो शॉर्ट टेम्पर बिफोर, बट दैट्स वाई एम डूइंग योगा. तो अभी योगा के बाद आई हैव बिकम सो कूल, काम एंड ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप. कितने आसन आते हैं आपको और कौन सा सबसे आसन? फेवरेट आसन है आपका? जितने अभी तक अंदर किए हैं वो सब इनको आते कितने हैं टोटल? 28 हैं हमारे मनदीप हॉट योगा के, 28 आसन हैं. 28 आसन मैं पूरे कर लेती हूँ. आई डोंट थिंक सो कि इतने आसन कोई और करता होगा. और ये जो दोनों टीचरें हैं ये मार मार के हमें योगा सिखाती हैं, मतलब लिटरली. ये तो फिर थोड़ा सा रहम है, ये जो कितनी इतनी भोली भाली टीचर दिख रही है ना, ये इतना भी रहम नहीं करती है. शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. सारे आसन को बहुत खूबसूरती से निभाते भी तो हैं. या सी, राखी की एक बहुत अच्छी ये भी तारीफ है कि ये सुनती हैं. इनका ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी है तो एटीट्यूड है, नहीं. राखी ने हमेशा हर एक टीचर को रूम में रिस्पेक्ट दिया है और जो हम लोगों ने बोला इन्होंने हमेशा सुना है. और राखी का एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहूँगी कि राखी इज़ जस्ट नॉट कि उनको खुद योगा करके हॉट होना है, शी कीप्स गेटिंग पीपल ऑल्सो कि नो गाइस कम, अरे हम फ्री में क्लास देंगे, आप आओ. बहुत लोगों को फोर्स करते बिकॉज जो इन्होंने फ़ायदा लिया है, ट्रस्ट मी, ये दिल से चाहते कि वो फ़ायदा सबको मिले.
यू हैव सीन लाइफ के मुझे सडनली टीचर मैसेज आता है 20 साल की लड़की शी इज नो मोर 15 इयर्स बॉय इज नो मोर 30 इयर्स 30 इयर्स गाय इज नो मोर व्हाई हार्ट अटैक फॉर व्हाट दे आर जस्ट यंग सो पी के शराब पी के ड्रग्स लेकर व्हाई यू शुड लव योर सेल्फ प्लीज डोंट डू दिस यहाँ पर स्वेट नहीं करोगे पूरा एनर्जी बॉडी से नहीं निकालोगे नया एनर्जी नहीं डालोगे तो कुछ लाइफ में अच्छा नहीं लगेगा यू हैव टू टेक इट आउट यू हैव टू डिटॉक्सिफिकेशन इज व्हाट आपको पुराना बॉडी से एनर्जी निकालना है तभी आप कुछ नया डाल सकते हो ना पुराना गया ही नहीं नया डाले जाओगे तो पागल हो जाओगे यू कैन नॉट थिंक कुछ नया आएगा ही नहीं पुराने थॉट्स को डिलीट करोगे देन न्यू सो एवरी डे वी डिलीट द ओल्ड थॉट्स पुराना बैक डे हम लोग डिलीट करते हैं हाँ। और फिर हम एक नया दिन यहाँ से लेकर जाते हैं बिल्कुल कल क्या हुआ यहाँ पे डिलीट हो जाता है आगे कैसे जीना है यहाँ पे वो सिखाया जाता है तो मैं यंगस्टर्स को जनरेशन को यही कहना चाहती हूँ कि ड्रिंक्स ना करे स्मोकिंग ना करे और भी जो बहुत सारी चीज़ें ना करे योगा करे आपकी ज़िंदगी को जिए प्लीज़ हम में उतनी क्षमता ताकत नहीं है कि ऐसे मैसेज सुने कि थैंक यू मॉम आर फ्रेंड्स आर नो मोर तो बहुत दुख होता है तो इसलिए सब लोग हॉट योगा करें सलमान खान को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि वो भी बहुत ही फिट है अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं सलमान खान इज माय बडी एंड रेस 3 तो सुपर हिट गई है और ब्लॉकबस्टर मैं ये कहना चाहती हूँ मंदीप हॉट योगा से सलमान खान एंड मोदी जी को कि प्लीज़ हमारे साथ हमारे क्लास में आके एक बार हॉट योगा कीजिए योगा योगा होता है सबका अलग अलग फॉर्म होता है हमारी मंदीप हॉट योगा का फॉर्म अलग है फॉर्मेशन और हम लोग 42-41 डिग्री हीट में योगा करते हैं इसलिए क्योंकि डिटॉक्स होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ आके हॉट योगा कीजिए और हमेशा के लिए हॉट हो जाइए कौन सा आसन करना चाहेंगे अगर नरेंद्र मोदी जी और सलमान खान होंगे तो हमने अभी आपको आसन दिखाए हैं वो उसमें से आप चूज़ कर लीजिए सिलेक्ट कर लीजिए कि वो कौन सा आसन ये वाला आसन अब एडिट करके डाल देना ये वाला आसन प्लीज़ कीजिए ये वाला आसन ज़रूर करवाएँ राखी जी एक लास्ट सवाल जानना चाहूँगा निरहुआ जी ने जो एक पत्रकार को मतलब गाली दे दी थी बॉर्डर को लेकर तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे उनकी जो फिल्म आई थी मैं नहीं सॉरी मैं इन लोगों को नहीं जानती धन्यवाद ओके थैंक यू सो मच